हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सिंह में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का आपका सेंटर कहाँ पे गया है, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बनिएगा। और वीडियो आप सोच रहे होंगे क्यों लेट है, तो आपको मैं बता दूं, आपका सेंटर लिस्ट 9 नवंबर को ही आपको अपलोड कर दिया गया था upmsp.edu.in पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे ज़िले का वहाँ पे अभी एक ही बार में पूरे ज़िले का नहीं अपडेट किया गया था, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट था। मैं सोच रहा था कि जब पूरे ज़िले का आ जाएगा तब मैं बनाऊंगा वीडियो, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट है। और पूरे ज़िले का आज ही अपलोड किया गया है और आपको वीडियो आज ही मिल रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं शुरू से अंत तक ज़रूर बनिए। और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसे अपने ही मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप गूगल जाइएगा, गूगल से आप सर्च करिएगा upmsp.edu.in। जब ये आप सर्च करेंगे गूगल में तो सीधे इसी पेज पे आ जाएंगे। और देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का। और इसमें आप जाएंगे, नीचे स्लाइड करते आएंगे तो आपको एक और इनबॉक्स यहाँ पे मिले दिखने को मिलेगा। तो नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे एक मिलेगा महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड, इस पे आएंगे तो इस पे देखेंगे। सबसे पहले एक न्यू पे अपडेट किया गया है, इसमें न्यू पे अपडेट ये किया गया, प्रस्तावित केंद्र निर्धारण सूची हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020। अब देखिए, ये 9 नवंबर को ही आपको अपलोड किया गया था, लेकिन ये आपको यहाँ पे 12 नवंबर को यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उस समय पूरी जो ज़िले का है नहीं आया था, लेकिन आज पूरी ज़िले का आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक और नया पेज आपके सामने खुल कर आएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट नेम और डिस्ट्रिक्ट कोड है यहाँ पे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं नीचे, अगर देखते हैं कि पूरी ज़िले का देखिए यहाँ पे आ गया था। पहले क्या था, यहाँ पे जो व्यू लिखा है कहीं कहीं खाली था, तो उस ज़िले का अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन अब पूरे ज़िले का अपलोड हो गया है। तो आइए किसी एक ज़िले का हम लोग डाउनलोड कर देख लेते हैं, कैसे उसे देखना है आपको तो मैं बता देता हूँ। तो मैं गोरखपुर का डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक नया पृष्ठ आपके सामने आएगा, तो आइए हम उसे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यही आपके सामने एक खुल कर आएगा ये लिस्ट को, जब उस पर व्यू पे क्लिक करेंगे वो एक PDF बनकर रहेगा जो आपके सेव हो जाएगा स्टोर में। तो अब बात करते हैं कि इसे कैसे आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ पे डेट 11/11/2019 को, मतलब 11 नवंबर के वही अपलोड कर दिया गया है इसे। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये गोरखपुर का ही, हम गोरखपुर का डाउनलोड किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आते हैं सीधे नीचे, यहाँ पर बात करते हैं कॉलेज की। तो अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज को जो भी आपका, जैसे यहाँ पे जो भी आपका कॉलेज है, उस यहाँ पे इस कॉलेज का नाम देखिएगा, यहाँ पे पहले ही लाइन में इस कॉलेज का नाम, और देखेंगे यहाँ पे कई कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब इस कॉलेज का जो दिया गया, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर है, इसका सेंटर इन सभी कॉलेज में गया है, इन सभी कॉलेज में, यहाँ से यहाँ तक सभी कॉलेज में गया है। तो ये हो गए, जैसे ये कॉलेज है जिसमें आप पढ़ते हैं और उस कॉलेज का इतने में गया है। अब बात करते हैं, जैसे हाई जो लिखा है यहाँ पे, हाई स्कूल वालों का गया है इतने कॉलेज में। और नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इंटर का भी दिया गया है, यहाँ पे इंटर वालों का इन दो कॉलेज में गया है, और बाकी सबका हाई स्कूल का इन सभी कॉलेज में गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखेंगे कि स्कूल अलॉट में स्कूल अलॉट हुआ है, जैसे ये दिया गया, इसमें 59 बच्चे ही हैं इस कॉलेज के, इसमें 5 बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे, यहाँ पर संख्या दिया गया है कि कितने बच्चे इसमें रहेंगे। और साइड में हम बात करते हैं यम जो है मेल, मतलब जैसे यम से फीमेल हो गया, यम से मेल हो गया, जैसे फीमेल इसमें कितने गए हैं और मेल कितने गए हैं इसमें, ये बताया गया है। और यहाँ पे ग्रुप लिखा गया है किस ग्रुप के हैं, तो ग्रुप ए के ये बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप एक समझ लीजिए, जैसे जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसका, और पूरे कॉलेज में गया है इसका सेंटर। और यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल का इसमें गया है, और इंटर वालों का यहाँ पर 4 स्कूल में गया है।
तो ये हो गया इसमें टोटल, इस तरह आपको देखना है। इसी तरह सभी कॉलेज का नीचे स्लाइड करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये 86 पेज का है, ये 86 पेज का है। इसमें पहला पेज है, आप सर्च कर कर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपको सर्च करना रहेगा, अपने कॉलेज का भी नाम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वो सीधे वहीं पे मिल जाएगा, तो आप उसे ज़्यादा जो पेज रहे वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद यही सब बातें थी इसमें सेंटर का, तो आप समझ लीजिए आपका क्लियर हो गया कि किस कॉलेज में गया है सेंटर, तो आप समझ लीजिए अभी से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अन्यथा आप फेल भी हो सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए अभी से। और इस वीडियो में था यही सेंटर के बारे में, अगर डाउनलोड आप करना चाहते हो तो मैंने बता चुका हूँ कैसे आप डाउनलोड करिए और देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि हमारा कॉलेज मतलब स्कूल किस सेंटर में गया है। अब हम बात करेंगे, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जैसे दूर गया है सेंटर आपके कॉलेज का, तो आप उसे जाकर एक बार कॉलेज पे देख लीजिएगा कि हमारा किस जगह सेंटर है, उस स्कूल को ढूंढ लीजिएगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है। अब फिलहाल इस वीडियो में था यही इस बात की जानकारी, सेंटर इसको आपका कंफर्म हो गया, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।